नमस्कार। आज हम प्रायद्वीपीय भारत के मैदानी भाग के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यह पश्चिमी घाट पर्वत और यह पूर्वी घाट पर्वत हैं। इनके जो इधर का हिस्सा है यह मैदानी भाग है। मैदान कैसे बनते हैं? तो नदियों के द्वारा जब कंकड़ पत्थर बहा करके लाए जाते हैं तो उन्हें तटों पर बिछा दिया जाता है, जिससे मैदानों का निर्माण हो गया है। इन तटों का निर्माण पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियों ने किया है। ये नदियाँ प्राचीन काल से ही यहाँ बह रही हैं, जिसके कारण ये पर्वतों और पठारों से कंकड़ पत्थर लेकर मुहाने पर आते हुए समुद्र के किनारे में बिछा दिया करती हैं, जिससे तटों पर जलोढ़ निक्षेपों का हमें विस्तार देखने को मिलता है। यह भाग प्रायद्वीपीय पठार से निचला हिस्सा है। जैसे आप इसे इस तरह से देखिए, आप यह जो हिस्सा देख रहे हैं यह उठा हुआ भाग है। यह पर्वतीय भाग है पश्चिमी भाग का, जो कि ये रहा। उसके बाद जो बीच का क्षेत्र है यह एक पठारी क्षेत्र है, और पूर्वी भाग काफी कटा छटा है पर पर्वतीय फिर भी देखने को हमें मिलता है। इसके बाद यह जो हिस्सा है यह हमें यह सिरा बनाने का प्रयास किया है, इसे ही मैदान कहा जाता है, क्योंकि यह पठारों से नीचे हैं। यह प्रायद्वीपीय भारत के मैदान हैं। जिन्हें नदियों के द्वारा काट छांट कर पर्वतों और पठारों को मुहाने पर लाया गया, और यहाँ पर बिछा दिया गया, जिससे प्रायद्वीपीय भारत के मैदान का निर्माण हुआ। आइए जानते हैं पश्चिमी मैदान के बारे में। पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार हमें गुजरात में ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक देखने को मिलता है। इस पश्चिमी घाट मैदान का विस्तार हमें नर्मदा और ताप्ती के मुहाने पर अत्यधिक देखने को मिलता है। यहाँ पश्चिमी तटीय मैदान को अलग-अलग नामों से जाना जाता है, जिसमें ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर गोवा के तट तक के हिस्से को कोंकण का तट कहा जाता है, जबकि गोवा से मंगलोर, जो कि कर्नाटक में है, गोवा से मंगलोर तक के तट को कन्नड़ का तट और मंगलोर से
कन्याकुमारी तक के तट को मालाबार तट कहा जाता है। इस मालाबार तट पर अनेक लैगून झीलें भी पाई जाती हैं जो हमें देखने को मिलती हैं। आप ये देख सकते हैं, ये कुछ झीलें यहाँ पर हमें ऐसी दिखाई देती हैं जिनमें भूभाग के अंदर पानी भरा हुआ होता है, कुछ इस तरह से। ये भूखंड है भारतीय, जिसमें यहाँ पर जल हमें देखने को मिलता है। ये लैगून झीलें वह झीलें होती हैं जिनमें समुद्र का पानी भूभाग के अंदर प्रवेश करता है, किंतु समुद्री अवशेषों के द्वारा इनके मुहाने को बंद कर दिया जाता है और यह एक झील का रूप ले लेती हैं। यह झीलें समुद्री जल के कारण खारी होती हैं, अतः इन्हें लैगून झीलों के नाम से जाना जाता है। इन लैगून झीलों को केरल में स्थानीय तौर पर कयाल झील के नाम से जानते हैं। केरल में हमें दो लैगून झीलें देखने को मिलती हैं जिनके नाम हैं